इस तरह से अंकित उड़ते द्वारा मंजकर के कोर्ट पर पहला रेड जाती हुई इस बार पहला किक मारने का प्रयास। इस बार एक तेज रेड खाली रेड इस बार जिगर में चार जर्सी के साथ उस बार दावा किया और एक अंक मिलेगा होली का कला को तो एक बोनस एक पॉइंट इस तरह से छह डिफेंडर भी बोनस लाइन अवेलेबल है बोनस लाइन अभी भी भेज सकता है। काफी अच्छा प्रयास लेके छलांग मार दिया अब पॉइंट मिलेगा इस बार अंकित झूला को। जीरो नंबर जर्सी के साथ काफी अच्छा रेड कर रहे हैं लेकिन अंक इजाफा नहीं कर पा रहे हैं अभी भी एम्पायर रेड खाली रेड सुनील के द्वारा एक बार फिर गए हैं बढ़िया कलर की कोर्ट पर। इस बार क्या कहा क्या नजारा इस बार पूरा अपने अंकों का झुकते हुए जबरदस्त लेकिन एम्पायर रेड खाली रेड इस समय जबरदस्त टच करने का प्रयास किया था लेकिन अभी भी विश्वास नहीं और भरोसा कायम और इस तरह से दो पॉइंट मिलेंगे यहाँ पर दो भरपूर पॉइंट मिलेंगे बढ़िया कला को यहाँ पर। और ये अंकित उड़ा के खिलाड़ी हमें पानी मछली मछली की तरह बड़ी मछली की तरह लपक लिया गया इस तरह से थोड़ा सा फिसलती हुई काफी ज्यादा खेल मारने का प्रयास लेकिन विफल अभी भी तलाश में क्या खिलाड़ी है बोनस अवेलेबल नहीं है काफी अच्छा रेड करता हुआ अभी भी राइट कॉर्नर और लेफ्ट कॉर्नर को काफी जबरदस्त चुस्ती दिखा रहे हैं लेकिन अभी भी अंक में कामयाबी नहीं कर पाए हैं पूरा तक प्रयास लेकिन खाली रेड एम्पायर रेड उसी बात आपको जुटाई का संकेत मिलेंगे। इसी तरह से अगर मैच हमें हलचल होते रहे तो चार डिफेंडर है चार पर बोनस लाइन अवेलेबल है बोनस लाइन नहीं हो सकता कहीं ना कहीं से आपको अंक निकालने होंगे और स्कोर बोर्ड बढ़ता रहेगा तभी ये सारी चीजें संभव हो पाएगी। काफी अच्छा प्रयास जज भी किया था पॉइंट भी मिलेगा तो छह का मुकाबला चलता हुआ और इस तरह हम डिटोलो के खिलाड़ी एक बार गोड़िया कला की पोर्ट पर कच्चा किक मारने का प्रयास लेकिन विफल और लगातार राइट कोना से लेफ्ट कोने का कुकुर खेलने का प्रयास कर रहे हैं कहीं टच करने का प्रयास कर रहे हैं पांच डिफेंडर है बोनस लाइन उपलब्ध तो नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं टच करना पड़ेगा इस पर बड़ी मछली फंसा लिए पॉइंट मिलेगा इस बार चार छह का मुकाबला चलता हुआ बॉलर करने के लिए मस्त खेलते ये फील हो और इस तरह से बढ़िया रेट कर रहे हैं बढ़िया खिलाड़ी के द्वारा इस पार भी
पांच डिफेंडर हैं और इस बार अंकित के लोग खिलाड़ी बोलिए कला की कोर्ट पर जबरदस्त प्रयास कर रहे हैं। अंकों के लिखा जोखा की बात करें तो 6-4 का चलता हुआ वहीं पर हमारे साथी माइक्रोफोन पर जुड़ेंगे एसएस पट्टा जी। मैदान पर बैकिक मारने की कोशिश कॉर्नर के खिलाड़ी को पांच खिलाड़ी फूल की तरह इस बार हम टीटो लगे खिलाड़ी को और पॉइंट मिलेगा मुड़ी कला को 4-8 स्कोर पर 4 अंकों की बढ़ते यहाँ पर मुड़ी कला के पास अंकित चला 4 अंकों से पिछड़ती हुई पहले सेट पर। इस बार दावा किया है दोनों नवोदित खिलाड़ियों के बीच में कुछ 8-8 प्रति 20-20 अगली सर्विस लेकर के एमटी टोले के खिलाड़ी मुड़िया के मैदान पर देखना है क्या पॉइंट ले जाते हैं। सबसे युवा खिलाड़ी है इस टीम के, ये अच्छे खेलते हैं, ये रीडिंग का भाषा आते हैं, उनकी टीम को यहाँ तक पहुँचने में उनका विशेष योगदान रहा। अब मुझे कला की तरफ से एमटी कला के पास सर्विस 4 खिलाड़ी है इसलिए बोनस नहीं मिलेगा, टच पॉइंट ले जाना होगा यदि आपको पॉइंट ले जाना है तो। और इस बार किक मारने की कोशिश थमा यहाँ पर के बाद पहली सर्विस अंतिटोला के मैदान पर 4 खिलाड़ी है अंतिटोला के कोर्ट पर, इसलिए ज्यादा कोई जोखिम उठाना नहीं चाहेंगे रेडर और वापस अपने मैदान पर मुड़िया के मैदान पर सर्विस अंतिटोला के खिलाड़ी के द्वारा बोनस अटेंड किया है, देखना है बोनस मिलेगा कि नहीं। खिलाड़ी तो है बोनस के लिए लेकिन टैकल हो जाएंगे उनका पैर खिसला और गिर पड़े थे इसलिए उनको पॉइंट गवाना पड़ा और पॉइंट मिला यहाँ पर मुड़िया को। मुड़िया की तरफ से अगली सर्विस 3 खिलाड़ी है सुपर टैकल होने उस खिलाड़ी को पकड़ोगे तो 2 पॉइंट प्रो कबड्डी के अनुसार, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, धीरे धीरे करके एमपी रेट करेंगे RK04 जर्सी में। ये खिलाड़ी फिर से सर्विस करने आ रहे अंकित टोला की तरफ से कंटिन्यू सर्विस करते हुए, देखना है क्या इस बार कुछ अंक लाएंगे कि नहीं। और यहाँ पर डिसीजन पेंडिंग में है लेकिन नो बोनस और ये डू ऑर डाई रेड है। और 3 खिलाड़ी है, एक तरफ डू ऑर डाई रेड, दूसरी तरफ सुपर टैकल और डू ऑर डाई रेड, देखना है किस तरीके से होती है डू ऑर डाई रेड कामयाब। डू ऑर डाई रेड में पॉइंट ले आए यहाँ पर नीले कलर के खिलाड़ी और मात्र 2 खिलाड़ी बचे एमटी टोले के पास। और ये खिलाड़ी यदि इसको टैकल कर ले तो अलाउट करने में कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं हो सकती मुड़िया कला को, देखना है टैकल करते हैं अथवा नहीं। फिलहाल अभी तक तो संघर्ष जारी है दोनों साइड के खिलाड़ियों के बीच में, मैट की कॉर्नर में दबाकर खेल रहे हैं खिलाड़ी अभी भी। इस बार देखना है और एमपी रेट करके वापस मात्र 2 खिलाड़ी बचे हैं अंतिम टैकल के पास। ऑल आउट और सुपर टैकल दोनों बातें, एक तरफ सुपर टैकल एक तरफ ऑल आउट, क्या होता है यदि पॉइंट जैसे ऑल आउट की खतरा और मार दिया किक, एक पॉइंट और मिला लास्ट में बचाया
और लास्ट बॉल है और यहाँ पर अभी भी संघर्ष जारी है। और इस बार बेटर ऑल आउट 3 पॉइंट और यहाँ बोनस और इस बार टाइम आउट के बाद जैसी ने पदों पर फॉर्मस करते हुए और इस बार ले गए जाएंगे पॉइंट आ लेंगे यहाँ पर 15-5 इसके जा पहुंचा जबकि दूसरे हाथ का खेल चलता हुआ रनिंग हैंड टच की कोशिश किया था इस बार और इस बार पॉइंट मिल गए तो पॉइंट मिला यहाँ पर इंग्लैंड को तो सॉरी मैं नहीं कह रहा हूँ अंकित टेलर को 6-15 स्कोर बोर्ड दूसरे हाथ का खेल चलता हुआ अभी भी संघर्ष जारी पॉइंट मिला है टच पॉइंट यहाँ पर अब दोनों टीमों में खड़बली मची हुई है देखना है क्या दोनों फ्रेंच की टीम रन लाती है यहाँ पर फिर रन यहाँ पर वही और टेकल कर लिया गया यहाँ पर 750 को पॉइंट और मिलेगा और बोनस एक एक पॉइंट दोनों साइड बोनस भी है एक साइड पॉइंट है 7-17 स्कोर बोर्ड दूसरे हाफ का खेल चलता हुआ धीरे धीरे करके एमपी लेकर के वापस टाइम आउट की बात अगली सर्विस अंकित टोला के द्वारा मुझे कला के मैदान पर धीरे धीरे करके वापस एमपी रेड करके वापस अपने मैदान पर और अब तैयार एक पॉइंट और मिलेगा यहाँ पर 18-7 धीरे धीरे करके था मैच जाता हुआ क्योंकि 18-7 है इसको बोर्डिस बार लगी किक लेकिन नहीं लगी खिलाड़ी के पास के बाहर पॉइंट मिले 2 पॉइंट बोर्डिस 10 पॉइंट अंकित टोला को पॉइंट मिला है अभी यहाँ पर 2 और इस बार रनिंग रेट टच करने की कोशिश खिलाड़ी के द्वारा लेकिन खिलाड़ी के बहुत से ज्यादा दूर कोई पॉइंट नहीं मिला और धीरे करके एंट्री रेट करके वापस अपने मैदान पर अभी सर भी संकी तो एक तरफ से ब्रेक किक मारने की कोशिश और इस बार पॉइंट मिलेगा आउट डिफेंडर से 1 पॉइंट 19-9 जबकि लास्ट छह चलता हुआ कुछ ही समय बचे हैं ये